महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में उदाहरण सृष्टि करिछि ओडिसा। राज्य महिला माने हांडी सळरु बाहरी एबे सबु क्षेत्र में एक नुआ परिचय सृष्टि कलेणी। महिला सशक्तिकरण पाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उद्यम जारी रखिछन्ति। राज्य सरकार विकासमूलक पदक्षेप गाँ गाँव एवं घरे घरे पहुंचाइबा पाई आह्वान करिछन्ति। महिला सशक्तिकरण एक स्लोगान नुहे, एहा आम प्रगतिर मंत्र बोली मुख्यमंत्री सबुबेले कही आसिछन्ति। एथिस अनेक समय रे महिलांक उन्नति पाई राज्य सरकार अनेक गुड़िए पदक्षेप और योजना गुड़िक प्रचलित करि आसिछन्ति। केवल सेतिकि नुहे, संसद रे 33% महिलांकु स्थान देबा पाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्र निकटरे बारंबार दाबी करि आसुथिले। परिणाम स्वरूप नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज आईन रे परिणत होईछि। एहा फळरे राजनीति क्षेत्र रे महिला माने सेमानंक नार्य अधिकार पाइबारे सक्षम होईछन्ति। नारी शक्ति बंधन अधिनियम आईन रे परिणत होईछि। एही आईन 2019 रु 15 वर्ष पई बलवत्तर रहिबो। तेबे 2019 साधारण निर्वाचन ओ विधानसभा निर्वाचन रे 33% महिला प्रार्थी देइथिला बीजेडी। आज संसद में 5 जन महिला सांसद ओडिशा को प्रतिनिधित्व करुछंती। पदक्षेप नेबारे ओडिशा देश में प्रथम। मुख्यमंत्री एभली दिग्दर्शन को सारा देश आपणाई। 2001 रु आरंभ होइतिबा मिशन शक्ति योजना आज एक आंदोलन में परिणत होइछि। मिशन शक्ति माध्यम रे देश विदेश रे ओडिशार महिला माने निजर एक परिचय सृष्टि करि परिछंती। ओडिशार मां माने सशक्त होइछंती। एसएजी माँ मानू मिशन शक्ति जरिया अधिक स्वावलंबी एवं रोजगारक्षम करा को गत वर्ष 11,000 कोटी टंकार ऋण सहायता प्रदान करिथिले मुख्यमंत्री। 2050 कोटी रु अधिक टंकार सुध छाड़ करा। एथिस माँ मानक जोगाजोग सुविधा पाई स्कूटर योजना आरंभ होईछि। एथिपाई सेमानंकु 1,00,000 टंका जाए ऋण बिना सुधरे दिया जाउछि। मिशन शक्ति एवं गोष्ठीगत व्यवसाय उद्योग परिणत होबार लगी। ओडिशार जणे आदिवासी झील आज देशर सर्वोच्च आसन में बसीता बेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नेतृत्व में ओडिशा पाई प्रथम महिला बाचस्पति। ठीक से ही पौर निर्वाचन में भुवनेश्वर मेयर होती जड़े महिला। स्पष्ट जे प्रति क्षेत्र में महिला मान गुरुत्व राज्य सरकार। महिला सशक्तिकरण में देश दशंधि आगे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अड्डा ओडिशा।